खबर दें आपको, नारवा टैक्सेस के खिलाफ ठट्टा जिला में मुकम्मल शट डाउन हड़ताल है। ताजरों ने कारोबारी मराकज बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद जानते नुमाइंदा आज न्यूज अमरलाल परलाल बताएगा। बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा और जो आवाम के ऊपर लगने वाले टैक्स के खिलाफ जमाए इस्लामी की तरफ से आज मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है। इस सिलसिले में ठट्टा ज़िला के मुख्तलिफ शहरों में भी शटर बंद हड़ताल है। इस वक्त मैं घरों शहर में मौजूद हूँ जिसमें जमाए इस्लामी की तरफ से मुकम्मल शटर बंद हड़ताल करके एक एहतजाजी मुजाहरा करके कौमी शाहरा पर भी धरना दिया गया है। आइए, मेरे साथ जमाए इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। मुल्क में बढ़ती हुई बदमनी, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों में रोज़ बरोज़ टैक्सों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां पहुंचा दी गई हैं, इसके ख़िलाफ़ हमारी शटडाउन हड़ताल जो जिसकी काल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने दी है। तरफ से जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी, बदमनी, आईपीपीस के जो अंधा कुआं है, इसमें लोगों के अरबों खरबों रुपये जो डूब गए, बिजली के बिल में इजाफी टैक्सेस, गैस की लोड शेडिंग, इसी हवाले से है। इंशाल्लाह हम आवाम को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ये महंगाई, बेरोज़गारी, बदमनी हुकुमरानों की वजह से थे। जमात इस्लामी के रहनुमा इनका यही कहना है, जब तक हुकूमत हमने मुआहदा किया था, हुकूमत ने यकीन दानी कराई थी कि जो मुआहदे हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। मुसलसल महंगाई भी बढ़ती जा रही है और जो बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया वो भी वापस लिया नहीं गया। बिजली बिलों में इजाफे, बदतरीन महंगाई और नारवा टैक्सेस के खिलाफ सात जिला भर में शटडाउन हड़ताल है। तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। प्राइवेट स्कूल भी मजीद इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अनवर अंजुम से। अनवर बताएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह से नस्वात भर में ताजर बरादरी की काल पर बिजली की बिलों में इजाफे, बदतरीन महंगाई के खिलाफ जिला भर में शटडाउन हड़ताल की जा रही है। स्वाद की सात तहसीलों में तमाम छोटे बड़ी तजारती मराकज जो है वो बंद है। इस वक्त हमारे साथ ताजर बरादरी की तर्जमान मौजूद है डॉक्टर खालिद महमूद, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दें, अगर इससे मसला हल ना हुआ तो आइंदा का लाइमल क्या होगा? आप सबको मालूम है कि इस सिलसिले में हमारी ताजर बरादरी पूरी मलाखंड डिवीज़न का एक अहम इजलास स्वात प्रेस क्लब में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में फैसला किया गया था कि हम मलाखंड डिवीज़न और ज़िला स्वात में बिजली के बिलों में, स्विगेस के बिलों में और ज़ालिमाना महंगाई के ख़िलाफ़ 28 तारीख को पूरे मलाखंड डिवीज़न बल्कि पूरे स्वात के सात तहसीलों में मुकम्मल तौर पर शटरडाउन हड़ताल होगा। अगर हमारी ये मुतालिबात हुकुमरानों ने हल न किया गया तो हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा लाइमल के लिए फिर भी सारी मलाखंड डिवीज़न के ताजर बरादरी इकट्ठी होकर आइंदा के लिए लाइमल तय करेंगे। और आप सबको मालूम है कि बिजली हमारे स्वात और पुख्तनख्वा वतन की पैदावार है, बिजली हमारी है, डैम हमारी है, सारी सहूलत और सारी वसाइल हमारे है। हमारी बिजली की बिलों को देखा जाए तो पंजाब में पंजाब के हुक्मरानों ने 14 रुपये फी रिलीफ दिया था एक मिनट में, और हमारे साथ पुख्तनख्वा वतन में सोतीली मैच ऐसा सलूक रवा रखा है। बिजली की जो बिल है वो इतनी ज़्यादा आते हैं कि लोग वो दाखिल नहीं कर सकते, लोग जो है वो घरों के सामान बेचकर बिजली के बिल जो है वो दाखिल करते हैं। कोहाट में ताजरों की मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जारी है। ताजरों ने मरकज में बाजार में एहतजाजी जलसे के लिए पिंडाल भी सजा लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सैयद अली मैदर से, जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जी अली मैदर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कोहाट में भी सुबह ही से मुकम्मल तौर पे शटर डाउन हड़ताल है। तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज बंद पड़े हैं। इस वक्त भी आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे पिंडाल में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस पिंडाल में सराफा यूनियन के मेम्बरान हैं, ताजर एक्शन कमेटी के सदूर हैं, मेम्बरान हैं, उसके साथ साथ कसाई बरदरी मौजूद है, साथ साथ जो है वो जो टेलर मास्टर हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ सब्ज़ी फरोश मौजूद हैं और दूध फरोश मौजूद हैं। सख्त एहतजाज जारी है। इनका ये मुतालबा है कि जो हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस आयद किए हैं और बिजली कीमतों में जो इजाफा किया, जब तक कि वो वापस नहीं लिया जाता, हमारा ये रोड के बीच में एहतजाज जारी रहेगा। जी।